बहुत स्वागत। आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। और सबसे पहली ताजा खबर रायपुर से मिल रही है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का थोक में तबादला हुआ है। कई जिलों के संयुक्त और डेप्यूटी कलेक्टर बदले गए हैं। रायपुर के डेप्यूटी कलेक्टर को प्रमोशन मिल गया है। रुचि शर्मा अब संयुक्त कलेक्टर बलौदा बाजार को अपर कलेक्टर महासमुंद की जिम्मेदारी मिली है। यह लंबी चौड़ी लिस्ट है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का थोक में तबादला। कई जिलों के डेप्यूटी कलेक्टर बदले गए हैं। कई का प्रभार भी बदला गया है। बड़ा अपडेट तबादलों से जुड़ा हुआ। हालांकि आईएएस आईपीएस दोनों ही तबादले हुए हैं। आईपीएस के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। थोक में तबादला हुआ है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी लिस्ट। जी देखिए ललित, बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है, तबादला है, वो किया गया है। कीर्तिमान सिंह राठौर है जो बीरगांव के आयुक्त थे नगर निगम के, उन्हें परिवहन अधिकारी बनाया गया है। निर्भय कुमार साहू है, उसे अपर कलेक्टर महासमुंद की जवाबदारी सौंपी गई है। और इस तरह से बड़ी प्रशासनिक फेरबदल है वो किया गया है। पुलिस अधिकारियों के भी तबादले भी की सूची जारी हुई। इसके पहले जो एसआई जो है टीआई है उनका तबादला सूची जारी हुआ लगातार, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में जो तबादला है ट्रांसफर का सिलसिला लगातार जारी है। और अभी भी जो प्रशासनिक महकमे में इस तरह के जो सर्जरी है वो की गई है। प्रशासनिक कसावट तो ये बात है ही, साथ ही साथ जो 3 वर्ष से लंबे समय से जो जमे हुए हैं ऐसे अधिकारियों का तबादला भी किया गया है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के निर्देश है और उसी के गाइडलाइन के अनुसार इस तरह के तबादले हैं जो किए जा रहे हैं। तो एक बड़ा तबादला है वो किया गया है। कुछ अधिकारियों का प्रमोशन है वो भी किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा रेंज के आईजी बदले गए हैं। आनंद छाबड़ा को बिलासपुर रेंज की जिम्मेदारी मिली है। रतनलाल डांगी को वर्तमान दायित्व के साथ साथ रायपुर जिले की कमान भी दी गई है। अंकित कुमार गर्ग सरगुजा रेंज के आईजी बनाए गए हैं। बीएन मीणा दुर्ग रेंज के आईजी। राहुल भगत बनाए गए हैं राजनांदगांव के आईजी। रामगोपाल गर्ग रायगढ़ के एआईजी बनाए गए हैं। तो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। 6 आईपीएस जो जिनकी जिम्मेदारी बदली गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा रेंज के आईजी बदले गए हैं। आनंद छाबड़ा बिलासपुर रेंज की जिम्मेदारी। रतनलाल डांगी वर्तमान दायित्व के साथ साथ रायपुर की कमान संभालेंगे। अंकित कुमार गर्ग सरगुजा रेंज आईजी। ग्वालियर से मिल रही है बड़ी खबर। 15 साल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की गई। न सिर्फ छेड़छाड़ बल्कि वीडियो बना लिया गया। क्लासमेट नाबालिग छात्र ने ही छेड़छाड़ भी की और वीडियो बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर छात्रा को उसने ब्लैकमेल किया और 20,000 रुपए मांगे। जब 20,000 रुपए नहीं देने पर इसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी। परिजनों के साथ मुरार थाने ये छात्रा पहुंची, शिकायत दर्ज करवाई गई है। आरोपी जो छात्रा है वो भी चूंकि नाबालिग है। ग्वालियर से ये बड़ी खबर। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, पूरा घटनाक्रम। जी अपना जी सुशील, पूरा घटनाक्रम बताएं। 15 साल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के बाद वीडियो भी बनाया गया और फिर खास बात यह कि जो आरोपी है वो भी नाबालिग है, क्लासमेट है, उसने छेड़छाड़ की, वीडियो बना लिया, फिर ये 20,000 रुपए मांगने लगा।
छात्रा परिजनों के साथ मुरार थाने पहुंची, शिकायत दर्ज करवाई। सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, पूरा घटनाक्रम बताएं ये। चलिए, तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं सुशील से हमारा संपर्क हो, ग्वालियर से। और पेचीदा मामला इसी ग्वालियर से, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से एक और फैसला निकला था, एक अनुशंसा निकली थी, एक सिफारिश निकली थी कि बच्चों को सहमति से सेक्स के मामले में कहा गया कि 14 साल के बच्चे बड़े हो जा रहे हैं। अब इसी ग्वालियर में एक और मामला, 15 साल की नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ कर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल। सुशील, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरा घटनाक्रम बताएं, पुलिस की कार्रवाई भी क्या कुछ हुई। जी बिल्कुल, देखिए ये ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र का एक मामला है, बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 15 साल की एक नाबालिग छात्रा जो है उसका उसी के सहपाठी ने, स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ने एक छेड़छाड़ करते हुए अभद्र वीडियो बनाया, और वीडियो बनाने के बाद इस छात्रा को वो लगातार प्रताड़ित करने लगा, और उस छात्रा से वो 20,000 रुपए अपने अकाउंट में डलवाने के लिए लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। छात्रा ने परेशान होकर आखिर में इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, और परिजन छात्रा को लेकर थाने पहुंचे थे। मुरार थाने में इस मामले में FIR दर्ज कराई गई है, क्योंकि आरोपी भी नाबालिग छात्र है। पुलिस जो है आरोपी की तलाश कर रही, फिलहाल आरोपी अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ललित जी इस घटना ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हालात किस कदर खराब होने लगे हैं नाबालिगों के मामले की। 15 साल की एक नाबालिग छात्रा का उसी के सहपाठी इस तरह से एक छेड़छाड़ कर अश्लील वीडियो बना लेते हैं, और उसके बाद फिर उसे ब्लैकमेल भी करते हैं, धमकाते हैं फोन पर, और उससे अपने अकाउंट में 20,000 रुपए डालने के लिए ब्लैकमेल कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये घटना सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार स्कूल के जो नाबालिग बच्चे हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह के अपराध कर रहे हैं, तो फिर हालात किस कदर आगे होने वाले हैं इन बच्चों के आगे चलकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। इधर अंजू के पाकिस्तान जाने के बाद प्रसाद का परिवार सदमे में है। इस बीच पिता गया प्रसाद की पहली बार अंजू से बात भी हुई है। गया प्रसाद ने अंजू को पाकिस्तान जाकर नाम, धर्म और पति बदलने की खबरों को लेकर फटकार लगाई। 15 मिनट तक ये वीडियो कॉल हुई है। गया प्रसाद ने अंजू को उसके भारत छोड़ने के बाद के हालात के बारे में बताया, ये भी बताया कि उसके बेटा बेटी किस तरह से बिलख रहे हैं। और अब गया प्रसाद ने कहा कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, भारत वापस मत आना। अंजू की तरफ से व्हाट्सएप पर 3 लाइन का मैसेज आया, अपने पिता को लिखा उन्होंने कि मैं आपके लिए मर चुकी हूं, तो अब मुझसे बात मत करना। देखो मेरी बात सुन लीजिए भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये था, मैं उससे ये बात आखिरी बात 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 कर रहा हूँ। मैंने उससे बोला भी, मैंने कहा लास्ट और फर्स्ट, मतलब पहली और आखिरी बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, और मैंने बेटी भी नहीं बोला उसको, क्योंकि मैं बेटी बोलना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने सबसे पहले उसको यही बोला कि सुन, तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया, मर गया तेरा बाप, मर गया तेरी माँ, मर गई तेरी भाई, और तेरे जो दो बच्चे हैं वो भी तू समझ लेना कि तू उनकी। इधर ग्वालियर में हिंदू महासभा ने अंजू के परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने ग्वालियर SP राजेश सिंह चंदेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। भारद्वाज ने SP से कहा है कि उन्होंने हिंदू महासभा की 11 सदस्यीय टीम से गया प्रसाद की जांच करवाई, उनकी भूमिका संदिग्ध है। भारद्वाज का आरोप है कि अंजू के पिता गया प्रसाद करीब 40 साल से टेकनपुर इलाके में रह रहे हैं, टेकनपुर में ही BSF की अकेडमी है। भारद्वाज ने इस मामले में बड़े षड्यंत्र की आशंका जताई है। हिंदू महासभा का आरोप है कि ईसाई मिशनरी और मुस्लिमों के साथ मिलकर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। निश्चित रूप से ये लगता है कि कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इस्लाम मिशनरियों से जुड़ गई है। पाकिस्तान का जो है युवक है वो लव जिहाद हिंदुओं के
ये हिंदू युवतियों के लिए फैला रहे हैं, ये षडयंत्र ईसाई मिशनरी और इस्लाम मिशनरी मिलकर कर रही है, इसलिए हिंदू महासभा ने या प्रसाद के यह जांच करने की मांग की है। महासभा ने ज्ञापन किया है, दो बातें उन्होंने कही है। इनको एक शंका ये है कि एक महिला जो पाकिस्तान चली गई है, उनके परिवार वाले यहाँ रहते हैं, तो कोई देश की सुरक्षा को लेकर कोई बात हो तो उसको बारीकी से जाँच की जाए, कार्रवाई की जाए, उसमें हम लोग देख रहे हैं और जो फैक्ट्स आ रहे हैं उसकी इंक्वायरी करेंगे। इधर पाकिस्तान में नसरुल्लाह और उसके दोस्तों के संग बुरके में अंजू के खाना खाने का वीडियो अब सुर्खियों पर है। ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो में अंजू को बुरका पहने देखा जा सकता है। वीडियो में नसरुल्लाह भी नजर आता है और कई दोस्त डिनर टेबल पर हैं। अंजू राजस्थान के अलवर की रहने वाली थी। पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्लाह से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई और फिर वो पाकिस्तान चली गई। और अब जगदलपुर से बड़ी खबर। पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है। शहीदी सप्ताह को लेकर यह बड़ा फैसला। किरंदुल नहीं जाएंगी ट्रेनें, दंतेवाड़ा तक ही जाएंगी। विशाखापट्टनम से किरंदुल तक चलती है यात्री ट्रेन। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक माओवादियों का शहीदी सप्ताह है। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने यह फैसला लिया है। जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, किरंदुल तक नहीं जाएंगी ट्रेन, दंतेवाड़ा तक ही जाएंगी, वहीं से लौटेंगी। दरअसल विशाखापट्टनम से किरंदुल तक यात्री ट्रेन चलती है। बड़ा तबका इन ट्रेन के जरिए सफर करता है। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक माओवादियों ने शहीदी सप्ताह का ऐलान किया है। सुरक्षा के लिहाज से पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेनों पर ब्रेक लगा दिया गया है। किरंदुल तक नहीं जाएंगी, दंतेवाड़ा तक ये ट्रेन जाएंगी। वो बड़ी खबर जगदलपुर से हम आपको बता रहे हैं। शहीदी सप्ताह को लेकर नक्सलियों ने शहीदी सप्ताह का ऐलान किया है। शहीदी सप्ताह के दौरान नक्सली उत्पात मचाते हैं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, अपनी दहशत को बरकरार रखने के लिए। ऐसी स्थिति में आसान निशाना होती है ट्रेन। यही वजह है कि किसी भी नक्सली ऐलान के बाद किरंदुल तक जाने से ट्रेन को रोक दिया जाता है। बलौदाबाजार से खबर। जब्त शराब नष्ट कर दी गई। तकरीबन 7,416 लीटर जब्त शराब नष्ट की गई है। 292 प्रकरणों में यह अवैध शराब बरामद की गई थी, जब्त की गई थी। अलग अलग थानों से शराब की जब्ती हुई थी। इसके बाद पूरे एसओपी को फॉलो करते हुए इस अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया। और अब बैतूल से बड़ी खबर। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, बाढ़ का पानी गांव में घुसने लगा है। बैतूल के हेवरखेड़ गांव की बात करेंगे जहां बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन ने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे बाढ़ और बारिश के चलते किस तरह की स्थितियां हैं। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। रिवरखेड़ गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। तो भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है। सहयोगी ऋषु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु से और ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। ऋषु, फिलहाल क्या स्थिति, नदी में बाढ़, हेवरखेड़ गांव में पानी? जी देखिए, रात भर यहां पर काफी अफरा तफरी का माहौल रहा है गांव में। शाम से ही जो गोची नदी है वो उफान पर थी,
और ग्रामीणों को ये उम्मीद नहीं थी कि गांव में बाढ़ का पानी घुस जाएगा, लेकिन लगातार बारिश होने से नदी का पानी जो है गांव के अंदर घुस गया। कई मकानों में पानी घुटने घुटने तक पानी भर गया था। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी, लेकिन काफी देरी से देर रात तक प्रशासन की टीम नहीं पहुंच पाई थी। ग्रामीणों ने पूरी रात जो जगह किया है और अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन की टीम आके कोई मदद मुहैया कराएगी। अगर अगले एक दो दिन भी लगातार बारिश होती है तो शायद कुछ घरों को जो नदी के आसपास नजदीक जो घर हैं उन्हें खाली भी कराया जा सकता है आज। ललित जी, जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ऋषु विस्तार से जानकारी दे रहे थे और कमोबेश ऐसी स्थिति सुकमा से भी, लेकिन अब सुकमा में राहत भरी बात यह कि शबरी का जल स्तर थोड़ा स्थिर हो गया है, लेकिन NH-30 पर अभी भी बाढ़ का पानी जमा हुआ है। NH-30 पर कल से आवागमन बंद है। मौके पर प्रशासन की टीम मुस्तैद है। कोंटा में खेतों तक शबरी का पानी पहुंच गया है। शबरी सबसे बड़ी सपोर्टिंग नदी है गोदावरी की। गोदावरी को लेकर तेलंगाना गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट जारी कर रखा है। तो सुकमा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी तरह से NH-30 पर पानी भरा हुआ है। कोंटा में खेतों तक शबरी नदी का पानी पहुंच गया है। शबरी इस मानसून से, इस साल से तकरीबन 2 साल पहले इसी तरह का कोप एक तरह से दिखा चुकी है और तब सुकमा और कोंटा के लिए मुसीबत बन गई थी। न सिर्फ बाढ़ के रहते तक, न सिर्फ बारिश के रहते तक, न सिर्फ मानसून के रहते तक, बल्कि बाद में भी जो हालात बिगड़ते हैं उन्हें कंट्रोल करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। इधर मध्य प्रदेश में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। 15 से ज्यादा जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर बारिश के साथ साथ वज्रपात, बिजली भी गिरने की आशंका जाहिर की गई है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, भिंड भारी बारिश। नर्मदापुरम, उज्जैन संभाग, इसके अलावा जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, सीहोर, राजगढ़, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, गुना मध्यम से भारी बारिश। अब ईस्ट एमपी में रेनफॉल की एक्टिविटी बढ़ेगी। वेस्ट एमपी में बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आएगी। इधर गुजरात के सिलवासा में घनघोर बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते जबरदस्त जल भराव हुआ है। कई इलाकों में घुटनों तक, कमर तक पानी भर गया है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। गुजरात से बड़ी खबर, सिलवासा, गुजरात के सिलवासा में भारी बारिश और भारी बारिश के बाद जल भराव, घुटनों से लेकर कमर तक पानी भरा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, इंतजार हम कर रहे हैं। कई इलाकों में घुटनों से लेकर कमर तक पानी भरा है। गुजरात में लगातार बारिश के चलते अलग अलग इलाकों से इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अब गुजरात के सिलवासा से ये तस्वीरें आई हैं। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में घुटनों तक, कमर तक पानी भरा हुआ है। अलग अलग जगहों पर गुजरात में भारी बारिश और भारी बारिश के चलते जल भराव, जल जमाव की स्थितियां। सिलवासा में यही हुआ है। दादरा नगर हवेली में भारी बारिश, सिलवासा में जबरदस्त जल भराव है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि रात कैसे कटी होगी, जिंदगी कैसे चल रही होगी। ये स्थितियां सड़कों की हैं। सड़क यानी कमोबेश ऊंची जगह, सड़क बनती है तो उसे ऊंचाई दी जाती है, वहां पर अगर ये स्थितियां हैं। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। बार बार ये अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से भी कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें। सड़क का एक कोना इस तरह से ढूंढ पाना ये बहुत कम नजर आ रहा है।
सड़कें पूरी तरह से डूबी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।